RIKT रिसर्च बेस्ड इनोवेटेड क्षारसूत्र टेक्निक। राणा हॉस्पिटल में हम निरंतर खोज करते रहते हैं और नई टेक्निक्स को डेवलप करते रहते हैं। इसी खोज के अंतर्गत हमने एक टेक्निक डेवलप किया RIKT। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है और इसके रिज़ल्ट 90% से अबव हैं फिस्टूला के केस में। फिस्टूला मेनली दो तरह का होता है, एक सिंपल फिस्टूला, एक कॉम्प्लेक्स फिस्टूला। जो सिंपल फिस्टूला उसको बोलते हैं जिसमें स्फिंक्टर पार्ट बहुत कम इन्वॉल्व होता है, और कॉम्प्लेक्स फिस्टूला उसको बोलते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है या जिसमें 1/3 से ज़्यादा स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। तो कॉम्प्लेक्स फिस्टूला के लिए यह टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस रिसर्च वर्क में जो हमारा उद्देश्य है वो ये चेक करना है कि जो RIKT टेक्निक है ये बहुत इफ़ेक्टिव है या इफ़ेक्टिव नहीं है। इस टेक्निक में प्री मेडिकेशन देकर क्षारसूत्र को यूज़ किया जाता है। क्षारसूत्र एक अल्कलाइन थ्रेड है जो सदियों से आयुर्वेद में यूज़ होता रहा है। इस टेक्निक में जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया उसमें हम सारे जितने केस सिलेक्शन हुई वो सारे केस कॉम्प्लेक्स फिस्टूला के थे, यानी हाई एनल फिस्टूला के थे। उसमें हमने वो पेशेंट सिलेक्ट करने के बाद ये सारे प्रोसीजर अंडर जीए किए। इसमें पहले प्रोबिंग की गई, फिर प्रोब के ज़रिए क्षारसूत्र को इंसर्ट किया गया, फिर इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस को ओपन कर क्षारसूत्र को उधर से हमने निकाल लिया। देन बाय रबिंग टेक्निक वी ओपनड इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस फ्रॉम इंटरनल ओपनिंग टिल इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस, और उसके बाद एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस तक हाइड्रोजन डाल के उसको क्लीन किया गया, फिर नॉर्मल सलाइन से वॉश किया गया और एंड में जात्यादि तेल अप्लाई किया गया। हर केस में पोस्ट ऑपरेटिवली इस बात का खास ध्यान रखा गया कि जो जॉनसन ईयरबड्स होते हैं प्रेफरेबली उनको स्टरलाइज जॉनसन ईयरबड्स से एक्सटर्नल ओपनिंग को भी ड्राई किया गया, इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस को भी ड्राई किया 2 बार दिन में, और ड्राई करने के बाद जात्यादि ऑयल लगाया गया, वो भी जॉनसन बर्ड से, ताकि ज़्यादा ना लगे और कम भी ना लगे, एप्लीकेशन भी हो जाए। डायग्नोज करने के लिए हर केस में हमने 3 मेथड अडॉप्ट किए। फर्स्ट कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से इंटरनल ओपनिंग को हर केस में लोकेट किया और एक्सटर्नल ओपनिंग को, और फिर फील किया इन बिटवीन द ट्रैक। और दूसरा तरीका हमने अडॉप्ट किया, हर केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड और बीटाडिन को मिक्स करके एक्सटर्नल ओपनिंग से डाला ताकि इंटरनल ओपनिंग से निकले और हमें क्लियर हो जाए कि यही ट्रैक है। थर्ड एंडोसोनोलॉजी या MRI, इन दोनों टेक्निक से उस ट्रैक को एग्जैक्टली लोकेट किया। हर केस को RIKT से ट्रीट करने के बाद सब्जेक्टिव वे में और ऑब्जेक्टिव वे में एनालाइज किया गया। जो क्राइटेरिया असेसमेंट में यूज़ किए गए उसमें ये देखा गया रिकरेंस है कि नहीं है, मल्टीपल ट्रैक तो नहीं है, और हॉर्शू शेप को देखा गया। सुप्रालिवेटर जो फिस्टूला था उसमें एसोसिएटेड विद एब्सेस और विदाउट एब्सेस। 6 हफ्ते के बाद सारे केसेस की प्रोग्रेस को नोट किया गया और टेबुलर फॉर्म में उसका मतलब एनालाइज करने के लिए टेबुलर फॉर्म में डेटा को मेंटेन किया गया। ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। नंबर ऑफ पेशेंट वर 50 पेशेंट्स पे ये स्टडी की गई। डेटा वॉज सिंप्लीफाइड सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। इन द डेटा रिजल्ट्स में हमने देखा कि रिकरेंट जो है उसमें इसका 97% रिजल्ट है, जिसमें मल्टीपल ट्रैक्स हैं उसमें मोर देन 95%। इन हॉर्शू ट्रैक्स द रिज़ल्ट वाज 94%। इन सुप्रालिवेटर फिस्टूला रिज़ल्ट वाज 93%। सुप्रालिवेटर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट फिस्टूला, एंड सुप्रालिवेटर एसोसिएटेड विद एब्सेस द रिज़ल्ट वाज 93%। लिमिटेशंस जो इस स्टडी की हैं इसमें हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स फिस्टूला के 50 केसेस लिए। ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है सिर्फ। और डेटा वॉज प्रेजेंटेड ओनली इन वन वे। और इसमें एक हाईलाइटिंग मार्कर है कि दिस इज़ अ फर्स्ट टेक्निक इन द होल वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड, जिसमें क्षारसूत्र को यूज़ किया गया है और स्फिंक्टर को बचाया गया है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम क्षारसूत्र यूज़ करते हैं तो स्फिंक्टर पूरा कट थ्रू होता है, इसमें स्फिंक्टर को बचाया गया क्योंकि हमने तो सिर्फ इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस तक खोला है। और इसका कंक्लूजन जो हमने निकाला कि दिस टेक्निक इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, वर्थ ट्राइंग, इसको ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, एंड वेरी सेफ ऑल्सो। इस टेक्निक और इस स्टडी को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज में पब्लिश किया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।